हाँ जी सर, आप कहाँ जा रहे हो आज? हम हरिद्वार जा रहे हैं सर। किस कारण के लिए जा रहे हो, क्या हो गया? हमारी माता राम जी ने जो पहले भी आपको स्कूटी चलाती हुई दिखी थी वीडियो पे, इसमें आपको वो उसका सरोगा 7 तारीख को हो गया, इसलिए उनको गंगा जी जा रहे हैं हरिद्वार पहुँचा रहे। और स्कूटी के अलावा भी उनको क्या फोर व्हीलर वगैरह कुछ चलाना आता था? फोर व्हीलर तो नहीं चलाना आता था उस समय में, ऐसी व्यवस्था नहीं थी उस समय में, यही व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो रही थी, यानी हमारे पास ऐसी व्यवस्था करने की। और फोर व्हीलर की तो नहीं कह सकते। वो स्कूटी कितने वर्ष की थी तब चलाती थी, आपको बता दो? वो तो चलाती थी अपने समय के अनुसार। अभी मरने से पहले भी कुछ दिनों पहले चलाया था क्या उन्होंने स्कूटी? नहीं नहीं, अभी ऐसी स्थिति में नहीं थे वो। कितने साल हो गए स्कूटी चलाए हुए? हो गए कम से कम 2-1 वर्ष। 2 वर्ष हो गए। हाँ। चलो, और कुछ आप आपकी माता राम के लिए कुछ कहना चाहते हो? आप किस किस से मिलके गए आपकी माता राम एंड में? आखिर में हम सभी परिवार थे करीब करीब, और हमारी जो छोटी सिस्टर है वो अपने ससुराल से आई थी, और उन्होंने हमको मिठाई खिलाई अंत में और गंगा जल पिलाया, उसके तुरंत 5 मिनट बाद में हमारी माता राम जी बोलते बोलते शांत। और आपकी क्या लगती थी सर, क्या लगती थी? दादी लगती थी। तो आप कुछ कहना चाहते हो आपकी दादी के बारे में? मेरी दादी स्कूटी चलाती थी, 4 साल में ऐसी स्कूटी चलाती थी धमाकेदार जॉन रोड्स की तरह। और पहले भी क्या उन्हें आपने स्कूटी बचपन में देखा था, स्कूटी वगैरह कुछ क्या चल? मोटरसाइकिल चलाती थी। और मैंने सुना था कि फोर व्हीलर भी शायद उनको आता था चलाना? नहीं, फोर व्हीलर तो नहीं आती थी। और नहीं, मैंने अफवाह सुनी है। और कुछ कहना चाहते हैं आपकी दादी के बारे में? मैंने दादी रास्ते रास्ते विदा हुई है, और हम उसका ठंडा पानी डालने जा रहे हैं वहाँ हरिद्वार। और आपका नाम बताइए सर। मेरा, मैं नीरज फिल्म स्टूडियो का डायरेक्टर राजेश कुमार। और अंतिम संस्कार हो गया, वो क्या लगती थी? और उनके बारे में कुछ बताना चाहते हो आप? बताइए। मेरी सासू है मैं, पूरा रेणवाल में एक समाज में सासू बड्डी थी, और बहुत अच्छी थी हमारी सासू, बहुत उम्र अच्छी पाई है हमारी सासू का। बेटियाँ का दोतियाँ का पोतिया का पूरा परिवार बहुत सुखी, पाना पुना छोड़ गई थी, बहुत बहुत अच्छी पाई थी, बहुत बड़ा परिवार थे। और उनके और उन आपके ससुर जी को खत्म हुए कितने? और मेरे मरा ससुर आपके ससुर जी को कितने साल हो गए खत्म हुए? जी का 30 साल खत्म होना, शांत होना 30 साल हो गया, पर हमारी सासू जी जो है कोई हमारी सासू के कीड़ी को खुटना घटना नहीं हुई थी। यानी कि आपके पीढ़ी में किसी के भी कुछ नुकसान नहीं हुआ? मेरी ननदा के, मेरी जेठूतिया के, मेरी नानदिया के, मेरी बेटिया के कोई घटना नहीं हुई थी हमारी सासू जी की। अभी तक आपका परिवार बिल्कुल जितने जितने परिवार है उसमें का परिवार बहुत सुखी पाना फूना हरिद्वार जी ले जा रहे। बताइए। मेरा नाम है एमराज खाडेकर। और जो उनकी माता राम है दयाल जी की, वो आपकी क्या लगती थी? वो मेरी दादी जी लगती थी। और मैंने सुना है उनको बहुत अच्छी तरीके से स्कूटी चलाना आती थी, ये सही बात है या झूठ बात है? सही बात है, उनको स्कूटी चलाना आती। मेरी दादी बहुत फैशनेबल थी उस जमाने में, वो एक तरह से फोन वगैरह मोबाइल चलाना अच्छी तरह से आता था। आज के जमाने का एक दादी थी वो, और मेरा बचपन उन्हीं के हाथों में गुजरा है, उन्होंने मेरे को इतना बड़ा किया है, और मैं तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप अभी कहाँ जा रहे हो? हम हरिद्वार जा रहे हैं दादी जी को ठंडा पानी डालने के लिए, जिसको बोला जाता है, और वहाँ पर हम जा करके उनका पूरा क्रियाक्रम करके पिंडदान करके आएंगे। आपके परिवार में यानी कि आपका पूरा खटनावला परिवार आया है जी, तो उसमें कौन कौन आया बता सकते हो? जी, उसमें हमारे बड़े बड़े फूफा जी आए हैं, फिर छोटी छोटी बुआ जी और फूफा जी आए हैं, और हमारे मम्मी पापा चाचा चाची, 3 चाचा हैं मेरे, तीनों चाचियाँ हैं, हम 9 भाई हैं, सभी आए हैं, हम पूरा परिवार लेकर के आए हमारी दादी जी को, और जो और उनके साथ हमारी छोटी उनकी मेरी दादी जी पड़पोतियाँ हैं वो आई हैं। ये देखो आप,
ये दोहितियाँ हैं उनकी और होते हैं सभी को लेके आए सभी को लेकर आए और कुछ बताना चाहते हैं आपकी दादी के बारे में। आपकी दादी इतनी इंटरनेशनल कलाकार थी कि मेरे मानना हो कि उस जमाने में किसी को स्कूटी क्या कोई किसी को साइकिल भी चलाना नहीं आता था तो आपकी दादी स्कूटी चलाती है बहुत काफ़ी खुश किस्मत हो। और आपने कितने दिन हो गया उनको स्कूटी चलाते हुए और आपने कब कब देखा लास्ट बार उन्होंने कब स्कूटी छोड़ी थी? अभी उन्होंने 6 महीने पहले स्कूटी छोड़ी है। उसके पहले तो वो लगातार स्कूटी चलाई थी। कहाँ से कहाँ तक? दवाई लेने भी स्कूटी से ही जाती थी। डॉक्टर साहब एक बार का वाक्य मैं बताऊँ आपको, ये मेरा छोटा भाई है ये उनके साथ चला गया, ये भी बहुत छोटा था। हर कोई चाहे मुझसे ना के हाँ माँ खानी भाई खानी लेपर अरे लाल सुननी आप देखो इधर मेरे भी मैं तो आ रहा कब तक बैठू बैंड मेरा बजवाओ अरे जैसे भी चल लेपर गाने दे लेपर और कर पकड़ के काला काला चश्मा ओ खूब है करिश्मा खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखे पे काला काला चश्मा मैं पर गा भाई माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम मैं पर हर बात तो मुझे हर मारी दे मार क्या पर गाना थे बंदे मात्र मैं पर गाओ भाई मैं पर मैं तुझको बगल लाया हूँ तेरे घर से तेरे बाप के घर से तेरे बाप के घर से जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से जाऊंगा लेके तुझे नजर से तेरे बाप के घर से तेरे बाप के घर से क्या पर गाओ नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार गांडेकर है। आप कुछ कहना चाहते हैं आपकी दादी के बारे में? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मेरी दादी के बारे में। मैं हमेशा मेरी दादी मुझे मेरा ख्याल रखती थी। और कुछ? मेरी दादी मेरा नाम बगी बोलती थी वो बगी तो मैं बहुत खुश होता था। बगी मत बोलो आगे आगे